तो हेलो व्हाट्सएप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो भाई कुरान नहीं पढ़ पाते, जो भाई कुरान पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सिस्टम है। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो भाई आज मैं जिस एप्लीकेशन की बात करने वाला हूँ उस एप्लीकेशन का नाम है मदनी कायदा। मदनी कायदा एप्लीकेशन आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कुरान पढ़ सकते हैं जो भाई कुरान नहीं पढ़ पाते। तो भाई जैसे कि आप कुरान नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसका एक टाइम दिया जाएगा, आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन आप शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना नाम एंटर करना पड़ेगा और आपका ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर करना पड़ेगा और आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। वो कहीं का भी हो, इंडिया का हो, सऊदी का हो, कतर का हो, ओमान का हो, दुबई का हो, कुवैत का हो, कहीं का भी नंबर हो आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपना ईमेल नंबर डालें, अपना नाम डालें और आप अपना मोबाइल नंबर डालें। तो इसी वीडियो में सारा कुछ बताएगा और समझाएगा आप कैसे पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर आखिर तक देखें, वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे क्या होगा, मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए अपने होम स्क्रीन पे। तो सबसे पहले चले जाना है अपने प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में यहाँ सर्च बार पे सर्च मारना है मदनी एप्लीकेशन। तो जब मदनी एप्लीकेशन सर्च मारेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, मगर ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड पहले से करके रखा हूँ, तो इसको ओपन कर लेते हैं। जब हम ओपन करेंगे तो कुछ हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। जब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे फर्स्ट में हमको दिखा रहा है मदनी कायदा और इधर ऑनलाइन, इधर ऑनलाइन नीचे ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और मदनी कायदा पे क्लिक करेंगे तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो चलो हम मदनी कायदा पे क्लिक कर लेते हैं। तो मदनी कायदा पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। तो हमारे सामने 5 ऑप्शन खोल चुके हैं, तो हमको इनमें किसको चॉइस करना है तो हमें दूसरे नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है, मदनी कायदा पे। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके रखा हूँ। तो हम मदनी कायदा पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये है मदनी कायदा, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये ऑफलाइन पढ़ने के लिए है। तो यहाँ पे लेसन 22 तक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 22 तक दिया हुआ है लेसन लेसन नंबर। तो मैं लेसन नंबर 1 पे क्लिक कर लेता हूँ। तो लेसन नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो अब अगर हमें नहीं मालूम है ये क्या लिखा हुआ है और क्या है, तो हम जिस पे टच करेंगे तो वो हमें बोल के भी बताएगा, और अगर ऑटोमेटिक पढ़ता रहे आप जानते रहें तो यहाँ पे आपको स्पीकर पे टच करना है तो ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको एक एक पढ़ना है तो जिस पे आप टच करेंगे वही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सुनने को भी मिलेगा क्या बोल रहे हैं, तो सुनो। तो मैं वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ अपनी और इस पे क्लिक, तो जिस पे हम टच करेंगे वही आएगा। दूसरे नंबर पे क्लिक कर लेते हैं, तीसरे पे क्लिक कर, और अगर हम इसको ऑन कर दें ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो इसी तरह आप पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से, जान सकते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरे पे क्लिक करेंगे, लेसन 1 से शुरू होता है तो लेसन 1 से आप पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो लेसन 2 है ये, लेसन 3, ठीक है, और लेसन 4। तो इसी तरह जब आप पढ़ते रहेंगे आगे आगे तो लेसन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो लेसन जब बढ़ते जाएंगे तो आप आसानी पढ़ सकते हैं, ये ऑफलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 तक दिया हुआ है, 19 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जिस पे हमजा जबर अ वही बताएगा, फा जबर फा अफा हमजा नून
ايم زير ايم افا ايم. तो देख सकते हैं अब हम ऑफलाइन का बता देते हैं, बता दिया ऑफलाइन का बता चुके, अब हम ऑनलाइन का दिखा देते हैं। ऑफलाइन में करना क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना नाम इंटर करना है, फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के बाद आपको आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, इसके बाद आप रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये नेट हमारा थोड़ा स्लो है, तब तक के लिए हम वीडियो स्किप कर देते हैं। तो हमारे सामने कुछ ऐसा जब इंटरफेस आ जाएगा ऑनलाइन पे टच करने पे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो मैसेज चल रहा है नीचे देखो, नीचे लिख के आ रहा है राइट साइड में चैट, ठीक है, ये जो लिख के आ रहा है चैट और थ्री डॉट भी आ रहा है, तो इस पे टच करना है, ठीक है। तो इस पे आप जैसे ही टच करेंगे, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपसे सबसे फर्स्ट में मांगा जा रहा है आपका नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आपका कहीं का भी हो, ठीक है, डाल सकते हो, अपने कंट्री कोड के साथ डाल दो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तीनों चीज़ डालने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलो मैं डाल लेता हूँ, तब तक के लिए मैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल लिया है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दिया है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर हमने इंटर कर दिया है इंडिया का। अब यहाँ पे हमको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलो हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस बताते हैं। ऊपर देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है ऑनलाइन कुरान, तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, फिर आगे का प्रोसेस। हमारे पास रिप्लाई आ गया है उनका, ठीक है, ये फैजान भाई हैं कोई जो ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम चैट कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो जैसे हम इधर चैट करेंगे तो एक मिनट, हाँ तो यहाँ से हमें सेंड करना है, ठीक है, तो बस ऐसे। तो जब हम यस देखो रिप्लाई आया उधर से, तो आप इधर अपना लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना है आपको, ऑनलाइन पढ़ाई करना है, किस टाइम पे करना है, सारा कुछ यहीं पे बता सकते हैं आप, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।